मैं तो कल शून्यकाल में ही इसको उठाया था। जैसे ही मुझे पता लगा कि शिक्षकों पे लाठी चार्ज हुई है पानी की बौछार, तो हमने सदन में इसको संज्ञान लेने के लिए माननीय सभापति को कहा, और सरकार ने भी कहा है कि हम इसकी जांच कराते हैं, जो यदि दोषी पदाधिकारी होंगे लाठी चार्ज में तो कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज और है कि जो आरएसएस जासूसी कांड का जो मामला था, गिरिराज सिंह ने अपने एक कार्यकर्ता के ट्वीट को रीट्वीट किया है, उसमें लिखा गया है कि जेडीयू के साथ गठबंधन रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने कहां कहा कि गठबंधन रखिए? ये तो मसला माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में है। हम 3 में है कि 13 में है? गिरिराज सिंह कौन होते हैं कि रखें कि न रखें? तो गिरिराज सिंह जी को जो भी बात करनी हो वो तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये आज से सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में 6,000 रुपये जाएंगे, क्या आपको लगता है कि सफिशियंट है? नहीं नहीं, 6,000 रुपया जाएंगे, जो अनाज दिया जाता था, तो आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी को कुंटलिया बाबा लोग कहते थे, तो कुछ शिकायतें उस समय में भी कहीं कहीं से आया, तो इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि कोई त्रासदी में पैसा का हेरा फेरी ना हो कहीं नीचे स्तर पर, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट खाते में देने का काम किया है। और आपको बता दें कि ऐसे संवेदनशील मामले में इस त्रासदी में लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। सरकार चारों तरफ अपने सारे एजेंसी को लगाई हुई है, DM, SDO, जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, पूरे जगह मूव कर गए हैं, और जहां जहां जो जो आवश्यकता है उस हिसाब से वो मदद करने के लिए तत्पर हैं, और सरकार उस पर गहरी नजर रखी हुई है।